नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खड़े हैं जलगांव में, एरंडोल तालुका में। ये न्यूज़वीडो सीड का रिसर्च ट्रायल है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज आप सबको न्यूज़वीडो सीड के मक्का अनुसंधान के बारे में बताने के लिए। मक्का की खेती में पैदावार निकालने के लिए 4 प्रमाण बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहला है खेत में पौधों की मात्रा, दूसरा है भुट्टों की क्वालिटी, तीसरा है शेलिंग परसेंटेज, भुट्टे में से दाने की निकासी, और चौथा है दानों का वज़न। दानों के वज़न से हमारे बोरे ज़्यादा भरते हैं, हाई शेलिंग परसेंटेज से हमारे पास ज़्यादा ग्रेन होता है बोरे भरने के लिए, और जब भुट्टों में के साइज़ बराबर आते हैं तो हमें ज़्यादा भुट्टों का वज़न मिलता है। ये सारे चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं अधिक पैदावार दिलाने में। न्यूज़वीडो सीड कंपनी ने बहुत साल के अनुसंधान के बाद मक्का में खरीफ के किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार नया हाइब्रिड विकसित किया है। आइए मैं आपको उस हाइब्रिड से अवगत कराता हूँ। तो ये है हमारा नया हाइब्रिड कैप्सूल। ये हाइब्रिड खास सेंट्रल और साउथ इंडिया के खरीफ में मक्का लगाने वाले किसानों के लिए विकसित किया गया है। आप स्वयं देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 5x5 स्क्वायर मीटर के खेत काट करके भुट्टे यहाँ इकट्ठे करके सजाए हैं, और आप देख सकते हैं हमने भुट्टों को 3 कैटेगरीज में ग्रेड किया है। अगर आप देखेंगे तो ए कैटेगरी जो सबसे अच्छे और यूनिफॉर्म क्रॉप्स हैं उनका नंबर 80 से ज़्यादा है, और जो ग्रेड बी के हैं जो कि मतलब मध्यम साइज़ के क्रॉप्स हैं उनका नंबर लगभग 45-50 है, और ग्रेड सी यानी कि बहुत छोटे क्रॉप्स जो हैं वो 10 के आसपास हैं। जितने अधिक क्रॉप्स आपको उस ढेरी में दिखेंगे उतने अधिक जो है पैदावार आने की चांसेस आपको मिलेंगे। और दूसरा आप देखेंगे कि NSL कैप्सूल का जो शेलिंग परसेंटेज है लगभग 84% है, अर्थात 100 किलो ऐसे भुट्टे अगर हम उसका दाना छुड़ाएंगे तो उसमें से लगभग 84 किलो दाना आपको मिलेगा, और यही बनेगा आपके खेतों में अधिक पैदावार देने का कारण। खाली दाने प्राप्त हो जाने से पैदावार ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी मिले, इसीलिए हम 1000 दानों को वज़न करते हैं और देखते हैं कि कौन से दाने हैं जिसमें वज़न ज़्यादा है। इसका नाम कैप्सूल इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके दाने, हम यहाँ पे आम भाषा में जो किसान बोलते हैं, कैप्सूल जैसा दाना है, लंबा दाना है, और आप देखेंगे कि 1000 दानों का वज़न लगभग 450 ग्राम है, और ये ही वजह है जिसकी वजह से कैप्सूल के बोरे ज़्यादा भारी बस भरते हैं और हमको बहुत अधिक पैदावार मिलती है। एक और चीज़ जो देखने वाली है कैप्सूल में, आमतौर पर जब मौसम अच्छा नहीं रहता है जैसा कि इस वर्ष था, बारिश कम होती है, तो भुट्टे ऊपर से खाली होने शुरू हो जाते हैं और दाने जो भुट्टे के ऊपरी हिस्से में होते हैं बहुत सिकुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर आप कैप्सूल को ध्यान से देखेंगे, एक एक भुट्टा ऊपर तक भरा हुआ है और दाने एकदम सिकुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल पुष्ट हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि कैप्सूल सूखे मौसम में भी बहुत अच्छा बढ़वार कर सकता है। आइए अब देखते हैं इस मार्केट में और अन्य पॉपुलर हाइब्रिड के। ये एक हाइब्रिड है जो यहाँ बहुत पॉपुलर है, आप देख सकते हैं हमारे कैप्सूल के मुकाबले में इस हाइब्रिड में ए ग्रेड क्रॉप की संख्या बहुत कम और बी ग्रेड क्रॉप की संख्या बहुत ज़्यादा है। सेलिंग परसेंटेज मिलता जुलता है, लेकिन जब दाने ही नहीं होंगे तो भारी दानों से क्या फ़ायदा। ये एक और पॉपुलर हाइब्रिड है इस मार्केट में, काफ़ी सालों से इस मार्केट में ये हाइब्रिड को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से ये हाइब्रिड यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ, वह है जब भी मौसम सूखा हुआ आप भुट्टों में ऊपर बहुत सारी खाली जगह देखेंगे और देखेंगे दाने बहुत सिकड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि अगर पानी है तो ये हाइब्रिड काम करेगा, लेकिन अगर सूखा पड़ गया या लंबा ड्राई स्पेल आ गया तो ये हाइब्रिड लगाने वाले किसान को परेशानी हो सकती है। एक और हाइब्रिड है जो कि इस मार्केट में काफ़ी चल रहा है, लेकिन आप अगर इस रो में लगे हुए भुट्टे देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब भुट्टों में एक जो कीड़ा आप सभी लोग जानते हैं
आने लगा है फॉल आर्मी वॉर्म, उसका बहुत डैमेज है, रंग भी बहुत हल्का है और इस वजह से ज़्यादा लाभ इस हाइब्रिड की खेती करके नहीं है। कैप्सूल में जो भुट्टे के ऊपर का जो कपड़ा होता है वो इतना टाइट है कि फॉल आर्मी वॉर्म का डैमेज आपको नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको डैमेज मिल रहा है, इसीलिए कैप्सूल इस हाइब्रिड से भी बेहतर है। अब देखते हैं एक और पॉपुलर हाइब्रिड जो यहाँ बिकता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, पीले रंग के दाने हैं, ऊपर से चोंच खाली है भुट्टे की, टेस्ट वेट भी जो है काफ़ी कम है कैप्सूल के मुकाबले में और बहुत डैमेज दिख रहा है। ये डैमेज संकेत है कि जब सूखा पड़ा तो परागीकरण ना हो पाने के कारण दाने का विकास नहीं हुआ और किसान को पैदावार में नुकसान होगा। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है, मार्केट में ये तीन प्रमुख हाइब्रिड्स उपलब्ध हैं, लेकिन लगता है कि सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में खरीफ के किसानों के लिए एक नया वरदान न्यूज़वीडू कंपनी की तरफ से NSL कैप्सूल। बहुत बहुत धन्यवाद।